देखो 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 भाई, जाता वो ट्रक जाता पूरा। और देखो छपरे, देखो छपरे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए फ्रेश ब्लॉग में। तो अपन पहले सर आए थे, जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे। तो आज अपन रिटर्न कर रहे हैं, तो बहुत दिन जैसे रुक लिए थे, रिटर्न कर रहे हैं। अभी बज रहा है 2:30 बजे, तो धूप भी काफ़ी तगड़ी पड़ी है, मतलब गर्मी से फट जा रही है, इतने भयंकर वाला धूप पड़ा है। और लेकिन क्या करें, जितना गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, कुछ भी मायने नहीं रखना पड़ता है। मौसम जैसा हो अपना तो बस ब्लॉग बनाना है। ये देख सकते हो, ये सामने वाला जो ब्लू बोर्ड है, धन्यवाद अफेक्यरा उतरे, तो इसको अगर क्रॉस कर लिए है तो समझ लो बालेश्वर टाउन से बाहर निकल पड़े हो। ये ऊपर से हाईवे जाता है, ये नीचे से अपन ऊपर हाईवे पकड़ेंगे, टच कर लेंगे। ये रास्ते से जाओगे सीधा बारीपदा, बारीपदा कोलकाता वेस्ट बंगाल, वो रास्ते में सब मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पेट्रोल पंप है, पिछली बार आया था तो पेट्रोल फ्यूल अप किया था मैंने, इस तरफ वो रहा, आगे दिख रहा है। देखो देखो पता नहीं इस तरह से फ्यूल लीकेज हो रहा था, पता नहीं क्यों वही बंद हो गया। मैं फ्यूल पक लीकेज हो रहा था। पेट्रोल लीक हो थला मोरो, था ना, 1 सेकंड के लिए लीकेज हो रहा था। जैसे ही मैंने फ्यूल पूरा करवाया था तो तुरंत सा स्टार्ट मार्क में जब पेमेंट कर रहा था तब लीकेज मैंने देखा, साइड से इंजन के पास पेट्रोल गिर रहा है। जैसे ही मैंने बाइक को सीधा किया तो लीकेज ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत था इसमें। अभी तो फिलहाल डर यही है कि थला कहीं आग ना पकड़ ले फिर से लीकेज की वजह से, क्योंकि स्पार्क प्लग में अगर पेट्रोल ऐसे चला जाए तो आग तुरंत ही पकड़ लेगा पूरा। खाली बस पेट्रोल व्हीकल की वजह से, लीकेज के वजह से आग ना पकड़ ले, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। अगर साले देखा नहीं होता ना, ऐसे ही खींच के चला जाता, अभी थोड़ा देखा तो पता चल गया कि ऊपर से अगर ऐसे थोड़ा अगर स्टार्ट करते ही अगर लीकेज के वक्त इंजन को स्टार्ट कर लेते तो स्पार्क प्लग में अगर चला जाता ना भाई, भाई लास्ट होने से रुका नहीं जा सकता था, लास्ट होने से बच गया है। देखते हैं अभी, मतलब बहुत दूर का सफ़र है, दुआ करता हूँ कि कुछ ना हो, वरना एक यही है सहारा है मेरा। बार बार थोड़ा देखना पड़ रहा है, क्या पता सारा लीकेज बीच में हो।
और देखो छपरे, देखो छपरे। देख सकते हो ये ऐसे ऐसे नमूने मिलते हैं रास्ते भर। नहीं, एक्सीडेंट हुआ है तगड़ा। देखो 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 भाई, जाता वो ट्रक जाता पूरा, ट्रक वाला जाता पूरा, भयंकर जाता ये वाला। वो ट्रक पलट जाता पूरा, क्योंकि रोड से नीचे वो उतर चुका था और थोड़ा सा नीचे उतर गया होता तो वो जाता पूरा।